one more. क्या हालत भैया? मैं सबसे पहले तो मेरे प्रोड्यूसर्स रूपाली मैम और पिंटू सर के को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और डेफिनेटली एंड टीवी फिल्म फार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मैं एक रीजनल शो से हिंदी टेलीविज़न पे आ रही हूँ, तो मुझे लोकल से नेशनल तक का सफ़र है, तो मुझे इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने चुना, यही बहुत बड़ी बात है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। और परफेक्ट पति डेफिनेटली बहुत अलग कंसेप्ट है, जो आप क्या बोल सकते हैं कि हर एक लड़की का सपना होता है परफेक्ट पति, वैसे ही विदिता का भी है, लेकिन उसका उसे जो परफेक्ट पति मिलता है वो सच में परफेक्ट है कि नहीं, आप देखें। ओके, परफेक्ट पति से ही बात करते हैं जी। सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए, अलग ही तरह का नेगेटिव रोल है जी। ओके, जैसा इन्होंने कहा, मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को लेके, अपने कास्टिंग टीम को लेके, चैनल को लेके, क्रिएटिव डायरेक्टर्स को लेके, जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कैरेक्टर प्ले कर सकूँ, और जया मैम के साथ और साइली के साथ। इट्स रियली अ प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। जहाँ तक परफेक्ट पति की बात करूँ, जो मेरा कैरेक्टर है पुष्कर राठौड़, वो जैसा आप ट्रेलर में भी देख रहे हैं, तो उसका ये मानना है कि परफेक्ट पति वही है जो अपनी पत्नी को तराश के परफेक्ट पत्नी बना सके। अब वो कितना परफेक्ट होता है इनके हिसाब से, वो तो आपको शो ही देखना पड़ेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा तो ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग दोनों के हिसाब से देखा जाए तो फिर रियल लाइफ में परफेक्ट पति और परफेक्ट पत्नी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसको मेरे हिसाब से तो परफेक्ट पति मतलब वो इंसान, ऐसा इंसान चाहिए मुझे जो जेन्युइन हो हर एक चीज़ में, तो वो अपने आप परफेक्ट बन जाएगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट पति मतलब ऐसा इंसान चाहिए जो जेन्युइन हो दिल से, तो वो अपने आप परफेक्ट बन जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। सर, मेरे हिसाब से परफेक्ट जैसी चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है। हो सकता है कि क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हों मुझे वो डिसक्वालिटी लगे, या मेरे अंदर कोई डिसक्वालिटी हो तो इन्हें क्वालिटी लगे। तो जो इंसान जैसा है वैसा रहे, वही परफेक्ट है। दैट्स इट। अपने आप से ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता। आपको खुद को एक अंदर की कॉन्शियसनेस बता देती है अगर आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप उसी अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपनी गलतियों को समझिए, उन्हें सुधारिए, परफेक्ट बन जाएंगे। जब आप लोगों को पता चला जया मैम के साथ काम करने वाले हैं, क्या रिएक्शन था, कैसा माहौल रहता है सेट पे, मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? जया मैम, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एक ऐसे मतलब ऐसी हंसती है वो कि उनके साथ काम कर रहे हैं हम, जिन मैं बचपन से मतलब जिनको मिलने के सपने देख रही हूँ, उनके साथ वो कितनी सारी फिल्में कर चुकी है, तो इट्स लाइक कि ऐसे भी नहीं है कि ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था, इसीलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, जो मैं नहीं बोल पाऊंगी इस बारे में, लेकिन बस आई एम ब्लेस्ड कि आई एम वर्किंग विद। क्या रिएक्शन क्या था जब फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा आपको कि जया मैम के साथ में काम कर रहे हैं? मेरा तो रिएक्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं असिस्टेंट थी। ओके, ठीक है, अच्छा, इतना ही था मेरा, कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं ऐसी ठंडी थी मुझे। यार, मुझे जब जिसने फर्स्ट टाइम बताया था कि मेरी मॉम जया प्रदा प्ले करने वाली हैं, तो मैंने कहा पागल है तू, इसलिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो ठीक है। फिर मैंने कहा देखते हैं सेट पे। जब सेट पे सीन लगा और मुझे जाके उनसे फर्स्ट टाइम मिलना था, इंटरेक्ट करना था, बहुत नर्वसनेस थी। मतलब इतनी नर्वसनेस थी कि मैं बटरफ्लाइज एक्चुअली फ़ील कर पा रहा था अपने स्टमक में। और जब फर्स्ट सीन स्टार्ट हुआ, हेलो हाय सब हो गई, फिर भी लग रहा था कि सुपरस्टार हैं, कुछ गलत ना कर दूँ, गलती से छू ना दूँ। तो उस सीन के दौरान मुझे अभी भी याद है, वो मंदिर के आगे जाके हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, तो मैं सर को बोलता हूँ कि सर क्या मैं नीचे रखूँ? हाँ, तो मैं सीन के बारे में बता रहा था। तो सीन ऐसा था कि वो मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, तो मैंने डायरेक्टर सर को बोला, सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरे को उनसे बात कहनी है मैं पीछे से आऊँ और उनका हाथ पकड़ के बोलूँ?
मैं कहा आप उनसे पूछ लो, को कंफर्टेबल तो होंगी ना कि मैं उनका हाथ पकड़ूंगा, तो मैं इतना नर्वस था। और जहाँ तक मैं जया मैम के बारे में बताऊँ, इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज इंटरव्यू चल रहा है एंड ऑल, आई एम वेरी ऑनेस्ट, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज़ वेरी स्वीट, मतलब वो हर किसी का ख्याल रखती हैं सेट पे, फ्रॉम द डायरेक्शन टीम टू द प्रोडक्शन टीम, अपनी टीम, हम को एक्टर्स, ड्रीम टू वर्क विद, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेशनल एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस। Okay, thank you so much. Welcome.